हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड अब स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, क्योंकि कल से पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जाने वाला है जो कि खेला जाएगा मैकलीन पार्क नेपियर पे। टफ होगा न्यूजीलैंड को हराना, इसमें कोई दोहराया नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि न्यूजीलैंड को हराना टफ होगा, क्योंकि अपने घर पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खेलते हैं। शायद सबसे ज़बरदस्त टीम अगर हम देखें तो अपने घर पे है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड अगर इस सीरीज़ का बिल्टअप देखें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आ रही है। न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप करी है श्रीलंका के अगेंस्ट, तो टफ मैचेज़ होंगे, ज़बरदस्त मैचेज़ होंगे, नेल बाइटर्स भी आपको हमें देखने को मिल सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। वेन्यू जो है वो मैकलीन पार्क नेपियर है, नेपियर पर मैच होने वाला है ये। टोटल अगर हम देखें तो 42 मैच हुए हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इस वाली वीडियो में। खास तौर से ड्रीम इलेवन टीम मिलेगी, फैंटेन एक वेबसाइट है उसकी टीम मिलेगी आपको, प्लेइंग इलेवन मिलेगी, एंड तक बने रहना। और भी कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, कुछ ऐसे प्लेयर्स बताऊंगा जो चल सकता है, कुछ ग्रैंड लीग के ऑप्शंस बताऊंगा, तो एंड तक वीडियो को देखते रहना। बैट फर्स्ट अगर मैं बोलूं तो 17 बार यहां पर जीते हैं 42 मैचेस में से, और 22 बार जो है वो बॉल फर्स्ट जीती है टीम। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 244 रहा है, एवरेज सेकंड इनिंग टोटल 203 रहा है, पर यहां पर बड़े स्कोर्स बनते नज़र आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़े स्कोर यहाँ बन सकते हैं। और 5 मैच की सीरीज़ हुई है, अगर हम देखें 5 मैच की सीरीज़ होगी तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि 5 के 5 मैचों में 300 से ऊपर का स्कोर बन सकता है, क्योंकि जो पिच हैं जो वो सारी की सारी फ्लैट रहेंगी और ग्राउंड बहुत छोटे हैं, तो रन्स बनते हुए नज़र आ सकते हैं। हाईएस्ट टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो 373 है, लोएस्ट 126 है। इंडिया के अगर हम 4 साल पहले की बात करें, जब इंडिया टूर कर रही थी न्यूजीलैंड का, तब एक मैच यहाँ पर हुआ था मैकलीन पार्क पे ही, पहला मैच था वो, जिसपे न्यूजीलैंड ने 292 रन पहले करे थे, केन विलियमसन ने 71 रन करे थे, कोरी एंडरसन ने 68 रन करे थे, यहाँ पर हम देखें रॉस टेलर ने 55 रन करे थे, मोहम्मद शमी ने वहाँ पर 4 विकेट ली थी और भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट ली थी। इंडिया ये मैच हार गया था विराट कोहली के शतक के बावजूद भी, ऐसा बहुत कम होता है, 3-4 बार ही शायद ऐसा हुआ है कि विराट कोहली ने शतक बनाया और इंडिया हारी। और चेस करते हुए तो 123 रन विराट कोहली ने करे थे, धोनी ने 40 रन करे थे, धवन ने 32 रन करे थे, मैक्लेनगन ने 4 विकेटें ली थी और कोरी एंडरसन ने 2 विकेटें ली थी। इस मैच में कोरी एंडरसन मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो इकलौता मैच जो है यहाँ पर इंडिया और न्यूजीलैंड का रिसेंटली जो हुआ है उसकी बात बोले, 4 साल रिसेंटली हम बोल सकते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा मैचेस होते नहीं है, तो क्लियर रहने वाला है वेदर भी, ज़्यादा बारिश वारिश नहीं होगी, पूरा मैच देखने को मिलेगा। प्लेइंग इलेवन की बात करूं तो प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह से हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि वर्ल्ड कप सामने है, टीम एक्सपेरिमेंट्स करेंगी। अब कोई भी जो वनडे है वो आप सेफ नहीं लेकर के चल सकते हो, चाहे वो किसी भी टीम को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हर टीम करना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है। तो न्यूजीलैंड भी कर सकती है, इंडिया की टीम भी कर सकती है, अभी हमने पाकिस्तान में भी देखा और साउथ अफ्रीका में भी देखा होगा आपने, जो भी टीम अभी खेल रही है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर हुए हैं, तो एक सेटल कॉम्बिनेशन हर एक टीम बनाना चाहेगी। तो मनरू गप्टिल ये तो कंफर्म ओपन करेंगे, फिर नंबर 3 पे केन विलियमसन है, नंबर 4 पे रॉस टेलर है, हेनरी निकल्स नंबर 5 पे, या फिर लैथम नंबर 5 पे आ सकते हैं, हेनरी निकल्स नंबर 6 पे हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो लगभग कन्फर्म इनकी टीम रहेगी। अब देखने वाली बात यह होगी मिचेल सैंटनर खेलेंगे या कॉलिन डी ग्रैंडहोम खेलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस सोडी को बिठा दें, मिचेल सैंटनर और कॉलिन डी ग्रैंडहोम दोनों को खिला दें, तो ये भी हो सकता है, या फिर लॉकी फर्गसन, डग ब्रेसवेल दोनों बैठ जाएं और टिम यहाँ पे सोदी खेलें, बोल्ट खेलें और साउदी खेलें और कॉलिन डी ग्रैंडहोम भी खेलें, क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो लास्ट टू लास्ट ईयर सीरीज़ हुई थी उसमें कॉलिन डी ग्रैंडहोम और मिचेल सैंटनर दोनों खेल रहे थे, और अगर हम बात करें तो सोदी भी थे, तो ये टीम इनकी बनाई जा सकती है। तो प्लेइंग इलेवन कुछ ऐसी रहेगी आपके सामने जो मैंने लिखी है यहाँ पे, सेफ जो प्लेयर रहेंगे मेरे हिसाब से यहाँ से साउदी, बोल्ट, लैथम, ये सारे जितने ही प्लेयर हैं सारे के सारे सेफ रहेंगे। बाकी ये 7वें नंबर पे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, और ये 2 डग ब्रेसवेल और लॉकी फर्गसन, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। इंडिया की टीम की तरफ अगर मैं लेके चलूँ आपको तो धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी नंबर 4 पर आ सकते हैं, नंबर 5 पर भी आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा ये सब। केदार जाधव नंबर 5 पर आ सकता है, फिर दिनेश कार्तिक, विजय शंकर खेल सकते हैं, फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर जडेजा की जगह कुलदीप यादव आ सकते हैं टीम के अंदर, ये एक ऑप्शन हो सकता है इंडिया की तरफ, कुलदीप यादव को लाया जा सकता है, क्योंकि विजय शंकर 7वें नंबर पे अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार 9वें नंबर पे, फिर मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल, तो ये रहेगी इंडिया की प्लेइंग 11। शुभमन गिल हैं, बैकअप ओपनर हैं, शायद ही मौका मिलेगा, सिराज हैं, खलील अहमद हैं और राइडू हैं, तो इनको शायद ही मौका मिलेगा, पर ये प्लेइंग 11 इंडिया की हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो विराट कोहली इंपॉर्टेंट है, केन विलियमसन इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कशन नहीं करना मैं चाहूँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों टीमों के कैप्टन हैं दोनों प्लेयर्स और ज़बरदस्त फॉर्म में रहते हैं हमेशा से ही। विराट कोहली आज ही अगर ICC के जो अवार्ड्स अनाउंस हो रहे थे 2018 के, वो अनाउंस हुए हैं, हिस्ट्री बना दिया विराट कोहली ने, तीनों के तीनों जो सबसे बड़े अवार्ड हो सकते थे वो विराट कोहली ने जीत लिए हैं, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, या और क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बोल सकते हो आप, सर गारफील्ड सोबर्स जो ट्रॉफी होती है वो विराट कोहली के नाम है इस साल की,
तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है रॉस टेलर का। लास्ट 6 मैच आप देखो 137, 90, 54, 86, 80 और 181, ये इनका स्कोर है लास्ट 6 मैचेस का वनडे में। विराट कोहली के बाद सबसे ज़बरदस्त इन लास्ट 2 साल अगर हम बैटिंग देखें, बैटिंग तो ये एक प्लेयर नज़र आ रहा है जो कि सबसे अच्छी बैटिंग कर रहा है। यहाँ पर एमएस धोनी भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। न्यूजीलैंड में 10 इनिंग उन्होंने टोटल खेली है, 541 रन है और 90 का एवरेज है एमएस धोनी का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, ये 4 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपनी टीम में लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से अगर बात करूँ ग्रैंड लीग के कुछ ऑप्शन की, तो धवन, गप्टिल, मनरो और सऊदी, ये 4 प्लेयर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं और चारों के चारों टीम सऊदी भी कहीं ना कहीं बैटिंग कर सकते हैं 7वें 8वें नंबर पे और बॉलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो ये जो 4 प्लेयर हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ऑप्शन ग्रैंड लीग के लिए रह सकते हैं। अब ड्रीम 11 टीम की तरफ चलता हूँ, फिर फैन 10 की टीम दिखाऊंगा क्या मैंने बनाई है। एमएस धोनी को लेना बिल्कुल ठीक रहेगा। टॉम लैथम 5वें 6वें नंबर पर आएंगे, ये भी अच्छी फॉर्म में चल रहा है। लास्ट मैच अगर आप इनका देखो सुपर स्मैश में तो 100 बना के आ रहे हैं अभी, तो अच्छी फॉर्म है। एमएस धोनी पूरी सीरीज़ मैन ऑफ द सीरीज़ बन के आ रहे हैं, तो इनकी भी फॉर्म बहुत अच्छी है। एमएस धोनी ही बनते हैं मेरे हिसाब से यहाँ पर। 4-5 जो बैट्समैन मैंने लिए उसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, केन विलियमसन है, रॉस टेलर को मैंने रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने 5वां जो बैट्समैन लिया है वो है कॉलिन मनरो। तो ये 5 बैट्समैन गए, बिल्कुल सेफ टीम बनाई है मैंने जिससे कि सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं खेले जरूर। ऑप्शन जो रहेगा वो शिखर धवन का रहेगा आपके पास, मार्टिन गप्टिल का भी ऑप्शन रहेगा, कभी भी 100 बना सकते हैं, एक बड़ा 100 भी बना सकते हैं, तो ये याद रखना। निकल्स भी अच्छे हैं पर बहुत नीचे खेलने आएंगे, तो ये कुछ ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। एक ऑलराउंडर जो मैंने लिया उसमें केदार जाधव को लिया हुआ है। यहाँ से जो ऑप्शन बचता है वो कॉलिन डी ग्रैंड होम बचता है, शायद खेले ना खेले, थोड़ा सा रिस्क है। मिचिल सेंटर है, लगभग खेल सकते हैं, तो उनकी तरफ आप जा सकते हो। जडेजा के ऊपर भी थोड़ा सा रिस्क इस मैच में रह सकता है। यहाँ पर विजय शंकर एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, पर सेफ, सबसे सेफ ऑप्शन मैं बोलूँ तो केदार जाधव रहेगा। 4 जो बॉलर मैंने लिया उसमें ट्रेंट बोल्ट है, मैंने यहाँ पे मुनेश्वर कुमार को लिया हुआ है, मोहम्मद शमी को लिया क्योंकि पहले परफॉर्म कर चुके हैं, पिछले 3-4 साल पहले जो सीरीज हुई थी उसमें 4 विकेट उन्होंने ली थी, कॉन्फिडेंस हाई होगा, कहीं ना कहीं इस ग्राउंड से अच्छी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं। आगे बात करें तो टीम सऊदी को यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, तो ये 4 मैंने बॉलर लिए। अब चाहो तो यहाँ से मोहम्मद शमी की जगह युजवेंद्र चहल ले सकते हो। मैं भुवनेश्वर कुमार इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, तो यहाँ से आप चहल भी ले सकते हो क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने ये 5 विकेटें ली हैं, ये भी एक बहुत अच्छा बॉलर साबित हो सकता है। लेग स्पिनर है, ज़बरदस्त बॉलर साबित हो सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बनाए तो विराट कोहली कैप्टन बनते हैं और वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से केन विलियमसन बनते हैं। सेव करके प्रीव्यू एक बार दिखा दूँ, तो प्रीव्यू मैं एक बार दिखाऊं तो यहाँ से जो तीसरा ऑप्शन मैं बोलूँगा वो रॉस टेलर का बोलूँगा, चौथा बोलूँगा वो बोलूँगा आपको रोहित शर्मा का। तो यही 4 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन के। मनरो की तरफ जा सकते हो, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी इनसे करवाई जा सकती है मनरो से। तो ये है ड्रीम इलेवन की टीम, होप ये आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। अब मैं चलता हूँ फैंटेन की टीम की तरफ, तो फैंटेन की जो टीम है वो एक बार आप देख लो जो मैंने टीम बनाई हुई है। तो फैंटेन पे अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन खोलो, लिंक पे क्लिक करो और जब साइन अप करोगे तो आपको सिर्फ एक कोड डालना है, स्मॉल लेटर में स्पोर्ट्स गुरुजी लिख देना, आपका काम हो जाएगा, 25 रुपये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप साइन अप के बाद तो आपको मिलेंगे, उसके बाद अगर आप पैन वेरिफिकेशन करते हो तो 25 रुपये आपको और मिल जाएंगे। अगर आप 100 रुपये डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो ये एक सही रहेगी। मैं अब यहाँ से टीम बता दूँ, जो टीम मैंने बनाई है उसमें एमएस धोनी है, युजवेंद्र चहल हैं, यहाँ से भुवनेश्वर कुमार हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, विराट कोहली हैं इनको कैप्टन बनाया हुआ है, कॉलिन मनरो हैं, रॉस टेलर हैं, रोहित शर्मा है, केन विलियमसन वाइस कैप्टन रखे हुए हैं, केदार जाधव है और मिचेल सेंटनर। एक दो चेंजेस हैं टीम में थोड़े बहुत, क्योंकि वो ऐप ही ऐसी है, थोड़ा सा अलग पॉइंट सिस्टम है, थोड़ा सा अलग प्लेयर्स हैं, तो इसलिए थोड़े बहुत चेंजेस टीम के अंदर ज़रूर होंगे। तो ये टीम है आपके सामने, आप भी इस टीम के साथ जा सकते हो, यहाँ पर खेल सकते हो, अच्छी वेबसाइट है, अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पर आप कर सकते हो। तो इतना था इस वीडियो में, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।